हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं हूं जीएस राय और आज ये हमारा करंट अफेयर का नेक्स्ट लेक्चर है। और अगर आप लोग हरियाणा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर कुछ स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इनमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वो होता है इंटरव्यू। और ये इंटरव्यू क्यों होता है, वो आपकी पर्सनैलिटी या फिर आपके अंदर का जो शैतान होता है ना, उसको जानने का, कि आपका जो एक्चुअल बिहेवियर क्या है। जब आप थोड़े से खुश होते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा हो जाता है, जब थोड़े से टेंस होते हैं तो आपका बिहेवियर कैसा रहता है, या फिर किसी भी सिचुएशन को लेके आप लोग कैसे हैंडल करते हैं। मतलब कुछ लोग बड़े बदतमीज किस्म के होते हैं, और वो जो क्या होता है वहां पर, जो पैनल होता है, जो बोर्ड होता है आपका इंटरव्यू ले रहा है, वहां पर बड़े स्वीट और पोलाइट बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपको क्वेश्चंस में इतना उलझाते हैं, इतना उलझाते हैं कि वो आपका एक्चुअल, जो आपका एक्चुअल रूप है, वो आप लेके आ जाएंगे। मान लो आप जुबान पे नहीं लेके आएंगे कि आप, मतलब कि उनसे गलत नहीं बोलेंगे, ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके फेस पे, कहीं ना कहीं आपके एक्सप्रेशन में आपका जो है कलर ही लाल हो जाएगा कि ये कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सारी चीजें आपकी पर्सनैलिटी में दिखेंगी। तो ध्यान रख लेना, आप किसी से कुछ भी करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को रियल रखना तो ठीक रहोगे। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को फेक करने की कोशिश करोगे तो इन द एंड आपको जो है प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और आप ही को वो रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप लोग हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अंदर जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, सीईटी, पटवारी, कैनल पटवारी, तो इसमें कोई यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होता। आप कैसा भी आपका नेचर है, बस आपका जो है लिस्ट में नाम आना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोग क्या है, क्या आपका बैकग्राउंड है, कैसे आप किसी से बात करते हैं, बदतमीजी से बात करते हैं, तो आप जिस मर्जी लेवल के हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर, अगर आप पढ़े लिखे बच्चे हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, तो एथिक्स नाम की एक चीज होनी चाहिए, जिसको कि आप लोग पहले जो भाषा में जानते हैं, नैतिक शिक्षा। तो नैतिकता आपके अंदर होनी चाहिए कि इंसान को दूसरे इंसान से कैसे बात करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बात हो गई क्लियर। चलिए आज का जो हमारा करंट अफेयर का सेशन है स्टार्ट करते हैं। विच इंस्टीट्यूशन हैज फॉर्मड ए साइंटिफिक एडवाइजरी ग्रुप फॉर द ओरिजिन्स ऑन नोवल पैथोजेंस? तो किस संस्थान ने उपन्यास रोगजनकों पर उत्पत्ति के लिए एक वैज्ञानिक सलाहकार समूह का गठन किया है? किसने किया है? WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO है, तो WHO के बारे में मैंने आपको सारी चीजें बताई है। अब आप लोग जो है नीचे कमेंट बॉक्स में WHO के बारे में जितनी चीजें पता है प्लीज मुझे बता दीजिए, बस इतना सा कर दीजिए, WHO के बारे में मुझे बता दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट विश्वकर्मा वाटिका एट हुनर हाट हैज बीन सेटअप इन विच प्लेस? तो हुनर हाट में पहला विश्वकर्मा वाटिका का किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो विश्वकर्मा वाटिका का हुनर हाट में कहां पर स्थापित इसको किया गया है, कहां पर किया गया? रामपुर में। अब ये रामपुर किस डिस्ट्रिक्ट में है, मैच द फॉलोइंग में ऐसा आ सकता है। रामपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। रांची कहां पर है? झारखंड में। कोटा कहाँ है बताइए मुझे, कोटा कहां पर है? कोटा सिंपल सी है, बताइए कोटा किस राज्य के अंदर है। ऐसे क्वेश्चन कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ देता है, पटना बिहार में है, ठीक है, वहां पर पटना ना पूछ के आपको क्या पूछ लेगा, गया पूछ लेगा, गया कहां पर है, तो पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। वैसे जो हमारे पेड बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको क्या बोला जाता है कि आप लोग जो है एटलस ले लीजिए, एक ऑक्सफोर्ड की एटलस बुक आती है जिसमें कि सारे मैप्स होते हैं, और वहां पर आपको इंडिया का मैप देखने को कहा जाता है स्टूडेंट्स को, कि इंडिया का मैप देखो। इंडिया का मैप देखने के बाद करना क्या होता है, जितने भी वहां पर ब्लैक कलर के अंदर, थोड़ा सा ब्लैक और गोल्ड कलर में जितनी भी सिटीज दी होती हैं, उनको कहा जाता है कि इन सिटीज को देख लो, इनका राज्य याद कर लो, और ये सिटी किस चीज के लिए फेमस है ये देख लो, क्योंकि कई बार किसी न किसी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये सिटी किसके लिए फेमस है, ये सिटी किस राज्य में है, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो आपको भी मैंने यहाँ पर बता दिया, तो आप लोग ये फॉलो कर सकते हैं। विच पैरालंपियन स्पोर्ट्स पर्सन हैज बीन अपॉइंटेड बाय द ओयो एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? तो कौन सी पैरालंपियन स्पोर्ट्स पर्सन है, या कौन सा स्पोर्ट्स पर्सन है जिसको ओयो ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का चार्ज दिया है? तो दीपा मलिक को जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का चार्ज दिया गया था। विच इंडियन कंपनी हैज टॉप द वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2021 रैंकिंग ऑफ द फोर्ब्स अमंग इंडियन कॉर्पोरेट्स? तो कौन सी कंपनी ने यहाँ पर जो है वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयज 2021 की रैंकिंग जो है उसको टॉप किया है? इस कंपनी ने किया, यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। वट इज द थीम ऑफ 2021 वर्ल्ड फूड डे? अब भाई विश्व खाद्य दिवस है, तो ये कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। अब इसका थीम पूछा गया 2021 का,
तो 2021 का यहाँ पर थीम क्या है, एक स्वस्थ कल के लिए अब सुरक्षित भोजन, सेफ फूड नाउ फॉर ए हेल्दी टुमारो। भाई कल को स्वस्थ रखना है तो आज स्वस्थ फूड खाना पड़ेगा ना, तभी स्वस्थ कल रहे स्वस्थ रहेंगे कल। तो ये जो थीम्स हैं ये आप याद कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि थीम बेस्ड एक अलग से वीडियो बना दी जाए कि सर जिसमें इंपॉर्टेंट थीम करवा दिए जाएं 2021 और 2022 के, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर किसका तो 21 का थीम याद रखें, किसका 22 का थीम याद रखें। भाई जो थीम होता है ना उस थीम का मतलब समझा करो। अगर कोई काफी इंपॉर्टेंट थीम है तो भाई वो 2020 का भी पूछ सकता है आपसे, ठीक है? अगर बहुत जरूरी चीज थी कुछ कि 2020 में थीम क्या था, क्योंकि जो चीज बहुत हाईलाइट रहती है जिसका मुद्दा बहुत गर्म हो जाता है। अब ये खाने पीने से संबंधित है, बिल्कुल हमारी हेल्थ से संबंधित है। और अगर आपकी हेल्थ सही है, साउंड माइंड लिव्स इन ए साउंड बॉडी, अगर आपका सेहत ठीक है तो आपका दिमाग स्वस्थ रहेगा, दिमाग स्वस्थ रहेगा आप काम कर पाएंगे, एफिशिएंसी रहेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। कई इंपॉर्टेंट चीजें ये हर बार पूछ ली जाती है तो आपको पता होना चाहिए ऐसी चीजें। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ रेट प्रेडिक्शन ऑफ इंडिया एज पर मूडीज इन फाइनेंशियल ईयर 2022? भाई क्वेश्चन पीछे वाला रिपीट हो गया, ऑप्शन बस थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, 9.3% है। ये प्रेडिक्शंस थी, वो एक्चुअल थी, ये ध्यान रखना, पीछे वाली एक्चुअल थी, ये प्रेडिक्शंस हैं, ठीक है? तो वहां पर जो लास्ट मैंने करवाया था वो भी देख लेना, और ये प्रेडिक्शंस थी। द 50th ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती हैज बीन हेल्ड अमंग द इंडियन कोस्ट गार्ड विद विच कंट्री? तो किसके साथ ये रखी गई है, मालदीव्स एंड श्रीलंका के साथ जो है 15वीं ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज, क्या नाम है उसका, दोस्ती, इंडियन कोस्ट गार्ड और मालदीव्स और श्रीलंका के कोस्ट गार्ड के साथ रखी गई है। द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज विच नंबर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? तो भाई ये इतना जरूरी नहीं है बट फिर भी कई बार पूछ लिया जाता है, 5th इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में सबसे लेटेस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट कौन सा है, काफी न्यूज में रहा है और बहुत इससे रिलेटेड जो है एग्जाम में भी 2-3 क्वेश्चन बने हुए हैं, अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए थे कि जो अभी लेटेस्ट उत्तर प्रदेश के अंदर कौन सा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अभी बना है। द कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज बींग सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, आई होप आप लोग सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर जरूर करेंगे कि संविधान दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ऑस्ट्रेलियाज 47th टेस्ट कैप्टन? तो किसको बनाया गया यहाँ पर, पैट कमिंस को बनाया गया है कैप्टन। नेक्स्ट देखिए, विजय रूपाणी हैज रिजाइंड एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट? तो विजय रूपाणी जो है किस राज्य के मुख्यमंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे विजय रूपाणी। इंडिया अंडरटुक इट्स मेडन 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग विद विच कंट्री? तो भारत ने किस देश के साथ अपनी पहली 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता की है, किसके साथ की है, ऑस्ट्रेलिया के साथ। ये भाई न्यूज के अंदर देख लेना, जो लेटेस्ट रहता है न्यूज़पेपर पढ़ लेना, अब इंडिया कई कंट्रीज के साथ 2+2 वार्ता कर रहा है, तो जो भाई लेटेस्ट 2 महीने के अंदर हुई होती है वो देख लेना। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कई बार नहीं पूछ सकता, पूछा भी जा सकता है तो लेटेस्ट देख लेना, ठीक है? ये जरूरी नहीं है, ऑप्शन में देखो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया आएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं होता कोई और कंट्री होता और वो अभी लेटेस्ट हुई होती तो फिर वो टिक कर, ठीक। Which product has been added in the revised transport and marketing assistant for specified agriculture product scheme? तो निर्दिष्ट कृषि उत्पाद योजना के लिए संशोधित परिवहन और विपणन सहायता में कौन सा उत्पाद भाई जोड़ा गया यहाँ पर, तो डेयरी उत्पाद को जोड़ा गया है, ठीक है? इंडिया इज द होस्ट कंट्री फॉर 16th असेंबली ऑफ ASO SAI इन 2024। Who has been appointed as the chairman of the assembly on behalf of India? तो भाई कौन है चेयरमैन, जीसी मुर्मू। अब ये है क्या चीज कि ASO SAI इसकी मेजबानी 2024 में भारत करेगा और उसकी असेंबली के लिए चेयरमैन नियुक्त किसे किया गया है, जीसी मुर्मू को। अब ये है क्या, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक, याद रहेगा आपको, कई बार फुल फॉर्म में वैसे तो पूछ नहीं जाती पर एग्जामिनर का क्या पता लगता है, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज? तो उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो संजीव बर्नवाल को उज्जीवन फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन इंस्क्राइब्ड इन द यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। तो नीचे कुछ चीजें दी गई हैं यहाँ पर, तो निम्नलिखित में से किसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में अंकित किया गया है? तो किसको अंकित किया गया है? कोलकाता में दुर्गा पूजा को। काफी इंपॉर्टेंट है ये, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा भी गया है एक दो एग्जाम्स में। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस लॉन्च हैशटैग केयर फॉर हॉकी, केयर फॉर हॉकी कैंपेन इन पार्टनरशिप विथ होम। तो वे बजाज अलायंस ने हैश केयर फॉर हॉकी जो एक नई तरह का जो उन्होंने कैंपेन स्टार्ट किया है, तो ये किसके साथ मिलकर स्टार्ट किया है? मोनिका मलिक के साथ मिलकर इन्होंने स्टार्ट किया है। सॉरी मोनिका मलिक नहीं है इसका आंसर, सॉरी सॉरी, यहाँ पर है रानी रामपाल के साथ। किसके साथ किया है? रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच बैंक हैज लॉन्च द बीओबी वर्ल्ड वेव इन कोलेबोरेशन विद एनपीसीआई? एनपीसीआई के सहयोग से किस बैंक ने बॉब वर्ल्ड वेब लॉन्च किया है? तो किसने किया है? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बैंक ऑफ बड़ौदा है एक ऐसा बैंक है जिसका हेडक्वार्टर कहां पर है? वडोदरा में। वडोदरा कहां पर है? गुजरात के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1908 में। ऐसे जो चीजें हैं थोड़ी सी हटके होती हैं दूसरों से, वो यहाँ पर आपको देख लेनी चाहिए, वो जरूर देखनी चाहिए। वो एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं कि बीओबी बैंक का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पर है। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रदान करने के लिए ई लर्निंग प्लेटफॉर्म 29 लॉन्च किया है? विच स्टेट यूटी पुलिस लॉन्च ई लर्निंग प्लेटफॉर्म 29 टू स्किल स्कूल ड्रॉप आउट? किस राज्य ने किया है? दिल्ली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज बीन नेम्ड एज टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2021? टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2021 किसको चुना गया? किसको चुना गया? एलन मस्क को। आपको पता है काफी जो न्यूज के अंदर एलन मस्क, इनकी कंपनीज के बारे में, इनकी वेल्थ के बारे में, तो काफी चीजें अपडेट आती रहती है, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है कि लेटेस्ट क्या चल रहा है न्यूज में। ठीक है, कोई डाउट हो कुछ चीज, आप अगर आपको कुछ सर्विस चाहिए तो आप यहाँ पर फोन करके व्हाट्सएप करके पता कर सकते हैं। और जो फोन की टाइमिंग है बच्चों, रात को कम से कम 8 बजे के बाद तो फोन मत किया करो। कल एक स्टूडेंट था, रात को 11 बजे भी उसने फोन किया और मैंने कहा भी भाई टाइम क्या हुआ है? तो कहता सर 11 बजे हैं। तो मैंने कहा भाई 11 बजे तू सो नहीं सकता, कल फोन कर लेना। नहीं सर बहुत जरूरी इंक्वायरी थी। और पूछना क्या है? सर पेपर अपने टाइम पे हो जाएगा। तो यार ये सब मतलब ऐसे बेहुदा क्वेश्चन पूछने के लिए आपको रात 11 बजे फोन करते हो आप लोग, थोड़ा सा देख लिया करो इन चीजों को। क्या होता है आपकी वजह से कई बार फिर फोन स्विच ऑफ करना पड़ जाता है, और फिर फोन स्विच ऑफ करते हैं कई बार जो ऐसा पर्सन होता है जिसकी क्वेरी जेन्युइन होती है वो फिर नहीं सॉल्व हो पाती। तो ये तो आप देख सकते हो ना कि 9 to 5 टाइमिंग होता है। आपको व्हाट्सएप का दिया गया कि आप लोग व्हाट्सएप पे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कोई भी, क्योंकि व्हाट्सएप हमारी 3 4 जगह चलती है, ठीक है, एक ही व्हाट्सएप जो है 2 3 लैपटॉप के अंदर, वो जो है उसके अंदर जो अलग अलग लैपटॉप में वहां पर इनबिल्ट इंस्टॉल्ड होती है, और फोन के अंदर 2 3 जगह पे क्लोन की गई है। तो व्हाट्सएप पे कोई भी वहां पर आपका रिप्लाई कर सकता है, कोई ना कोई स्टाफ मेंबर जो है ऑनलाइन होता है वो वहां पर आपका जो है रिप्लाई कर देता है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया अगर कोई भी डाउट हो, पहले आप लोग फोन कर देते सीधा उठा के, अगर कोई जेनुअन डाउट है तो फोन करने में भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जेनुअन डाउट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि सर ठीक है सर मेरा बच्चा होने वाला है, क्या सर मैं पेपर दूं या ना दूं? भाई आपका बच्चा है, खुद डिसाइड करो बच्चा होने वाला है, पेपर देना है नहीं देना, इसमें सर क्या बताए आपको? आपको जानना है ना कि आपका बच्चा जरूरी है आपका कैरियर। मतलब ये भी नहीं कि हाँ कोई लड़की कर रही है कि सर मेरी डिलीवरी होने वाली है मैं पेपर दूं या ना दूं। अब लड़का कह रहा है कि सर मेरे घर में बच्चा होने वाला है, या तेरे घर में बच्चा होने वाला है, तेरी बीवी है, तेरी वाइफ है, उसका ध्यान रखने के लिए पूरी फैमिली है, तो तू वहां पर क्या चौकीदार है वहां पर? मतलब गुस्सा दिलवाते हो आप लोग, थोड़ा सा ध्यान रखना इन बातों का। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स है। धन्यवाद।